डोंगरी पर बुलडोजर, शॉप के एक्सटेंशन पर बुलडोजर की हुई कार्रवाई। एनसीपी पार्टी अजीत पवार ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती फाइल की और दोनों पक्षों को सुनने की अपील की। दसर में ओपन नाले में गिरे 56 साल के बुजुर्ग शख्स की हुई मौत। नांदेड़ में हुआ हादसा, महाप्रसाद खाकर हजारों लोगों को हुआ फूड पॉइजनिंग। सीएसएमटी रेलवे स्टेशन के टॉयलेट से 12 लाख के टैप्स, पाइप और फिटिंग हुए गायब। कॉकरोच मरा हुआ मिला नॉनवेज थाली में, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पैसेंजर की कंप्लेन। महाड़ में मुंबई गोवा हाईवे पर बस में लगी आग, 22 लोगों को रेस्क्यू किया एक स्टूडेंट ने। मुंबई एयरपोर्ट पर 4 अलग अलग केसेस में 2,28,00,000 का गोल्ड हुआ सीज। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप को झटका, पैटन के एक्स मेयर लाखों लोगों के साथ शिवसेना यूबीटी में हुए शामिल। 7,40,000 की एमडी ड्रग्स के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया नाला सुपारा पुलिस स्टेशन ने। शरद पवार सपोर्टर ने अजीत पवार के पोस्टर लेकर मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया, पोस्टर में अजीत दादा को घर का भेदी बताया। मुझे लगता है कि शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है, यह कोई नया आदेश नहीं है, सिर्फ नाम बदल गए हैं लेकिन कंटेंट वही सेम है, कहा एनसीपी एमपी सुप्रिया सुले ने। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के नेता अनिल देशमुख ने अजीत पवार ग्रुप को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के आदेश को लोकतंत्र की हत्या बताई। चुनाव आयोग से बोल्ड डिसीजन की उम्मीद है या फिर इस फैसले ने लोकतंत्र की ताकत दिखा दी। अजीत पवार और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, कहा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। शरद पवार फिनिक्स है राख में से उठेंगे, अजीत पवार ग्रुप को चुनाव आयोग के द्वारा एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह दिए जाने पर जितेंद्र अवार्ड ने कहा। चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा, मुंबई में एनसीपी ऑफिस में शरद पवार के सपोर्टर में लगाए पोस्टर। मुंबई कोर्ट ने पीएनबी फ्रॉड केस में नीरव मोदी के करीबी सहयोगी हेमंत भट्ट को जमानत दी। आईसीसी वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा और दीपक कचोहर को इंटरिम जमानत दी, कहा गिरफ्तारी इनलीगल है। चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार ग्रुप को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने पर आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग की आलोचना की, कहा पूरी तरीके से समझौता। मोटरमैन ने मानखुड़ के पास रेल ट्रैक पर लोहे की वस्तु देखी जिससे बड़ा हादसा टल गया। अमरनाथ सीएसटी फास्ट लोकल पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी, मजबूरन इस बीच में ही रद्द करना पड़ा। मुंबई में 10 लाख में जालसाज से व्यक्ति को मिला फेक रेलवे आईडी, एक महीने तक अलग अलग स्टेशन पर किया काम, जांच के आदेश जारी किए गए। अयोध्या मस्जिद फाउंडेशन की पहली ईंट मक्का से मुंबई पहुंची। महेश भट्ट ने खुलासा किया कि जगतीर सिंह को अपने बेटे की डेड बॉडी पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। शाहरुख खान के घर मन्नत में अब्राम के साथ शाहरुख खान का प्राइवेट फुटबॉल गेम गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया,